बहुत ही खुशी की बात है कि मुंबई शहर में सही मानने से इंटरनेशनल ब्रांड के साथ एक इंडियन टच, और जैसे हम कहते हैं कि स्किल इंडिया की बात अगर हम करते हैं तो उसका एक बहुत ही अच्छा से नतीजा नाइट्रो जिम के बारे में हो सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं मुंबई शहर का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा जिम का ओपनिंग करने के लिए मुझे आज एक यहाँ पे मौका मिला। इसके पहले देवेंद्र जी फडणवीस जी और मैं ताड़दो में इस जिम का पहली इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिज कैंडी में, और साउथ बॉम्बे में पहला ऐसा अत्याधुनिक जिम और सभी तरीके से उपयुक्त ऐसा एक मॉडर्नाइज्ड जिम था। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि बांद्रा में सबसे बड़ा जिम बोलकर आज इसको देखा जाएगा, और आज वो आदरणीय अजीत दादा जी के शुभेच्छा से धनंजय मुंडे जी के हस्ते हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोद ने जो काम और कार्य किया एक ये प्रोफेशनल को बाजू में रखते हुए भी सोसाइटी में भी एक सामाजिक दृष्टिकोण से नौजवानों को प्रोत्साहन देने का काम वो आज यहाँ पे कर रहे हैं। मैं उनका दिल्ली दौर से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मैं पूना में भी जाता हूँ तो पूना के हड़पसर जैसे एरिया में भी मैं अभी उनका जिम देखने लग गया हूँ, तो मुझे लगता है उनका रीच मुंबई पुणे और राज्यों में भी बड़े पैमाने के ऊपर होते जा रहा है। और मुझे यकीन है कि आज तो वैसे है ही है, पर नंबर वन इंडिया में ये नाइट्रो का एक पूरा फ्रेंचाइजी होगा। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि वो नए नए इक्विपमेंट्स को भी लाकर सिर्फ अपने यहाँ तक नहीं लगाने के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि बाकी के लोग भी उस इक्विपमेंट में करें, जैसे फ्री मोशन का उन्होंने किया, होस्ट का कर रहे, इसके पहले भी मुझे लगता है जो ब्रिज कैंडी में भी साइबेक्स का था, और साइबेक्स का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कस्टमाइज्ड करके उन्होंने लाने का काम किया था, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो मैं उनको दिल से अभिनंदन करता हूँ, और आज सबसे बड़ा बांद्रा का जिम का ओपनिंग आज होने जा रहा है, इस चीज़ का हम अभिनंदन करते हैं, और प्रमोद जी को बहुत ऑल द बेस्ट। तो बहुत अच्छा है, सबसे पहले मैं इस फिटनेस सेंटर के उद्घाटन के तौर पे महाराष्ट्र राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद अजीत दादा पवार साहब आने वाले थे, लेकिन किस कारणवश वो आदरणीय पवार साहब के साथ एक मीटिंग में व्यस्त हो गए, इसलिए उन्होंने मुझे आज इस प्रोग्राम में उद्घाटन के लिए भेजा। मैं आप सबके सामने आज इस फिटनेस सेंटर का उद्घाटन हुआ, आप सबके लिए ये आज खुला हुआ, एक बहुत बड़ी चैन। ये मुंबई में थाना में और पुणे में हमारे डॉक्टर साहब ने की है, मुझे अपने आप में एक फ़ख्र महसूस होता है कि इनके निरंजन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस परिवार से मेरा कई सालों से एक अलग रिश्ता रहा है। भले ही आज के प्रोग्राम में उप मुख्यमंत्री महोदय आने वाले थे, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ ऐसा लिखा था कि शायद मैं ही आज इस परिवार मेरे खुद के परिवार के इस प्रोग्राम में मैं खुद पहुँचूँ, तो आज सबके सामने बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि फिटनेस आप सभी जानते हैं कि क्या मायने रखता है अपने आप में, और आज हर किसी को फिटनेस की ज़रूरत है। और जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जैसे कि मुंबई में हो, ऐसे सेंटर की ज़रूरत है जो एक जगह पे हर फिटनेस की ट्रेनिंग देता हो, और वो नेट्रो फिटनेस सेंटर है। इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद भी होता है, फ़ख्र भी होता है, और आज आपके सामने इसका उद्घाटन हुआ, इसका मैं डिक्लेयर भी करता हूँ। पिछले दो साल में मैं अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि पिछले दो साल में जैसे कोविड आया, उस दो बार मैं कोविड का पेशेंट रहा हूँ, पहले फेज में भी और सेकंड फेज में। इस कारण से मेरा फिटनेस पूरी तरह से मैं कहता हूँ कि आज मैं किसी भी तरह से अपने आप की फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन इतना है कि बचपन से फिटनेस मैं करता था, बहुत अच्छी जिम भी मैंने की हुई है, और दो साल पहले मैं एक घंटे में कम से कम 8 किलोमीटर खुद रनिंग भी करता था, लेकिन अभी वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड कुछ है उसकी। आज ये देखने के बाद कल से स्टार्ट करेंगे हम, शायद कल से स्टार्ट कर पाए, दिस इज इंस्पायरिंग। और आपके लिए साउथ बॉम्बे में एक और जिम है जी, ब्रिज कैंडी वाला बहुत अच्छा जिम है मेरे नज़दीक। आई एम थैंकफुल कि आज यू नो ये हमारे घर के सदस्य हैं सबके साथ, तो आया आए
एंड मैं अभी ईश्वर जी से यही मनोकामना करता हूँ अगले डिप्टी सीएम जी हमारे धनंजय मुंडे जी बने, मैं इनको देखना चाहूंगा। मतलब इट इज माई सजेशन ऐसा कि यू नो कि कभी हमारे भाई जैसे है, एल्डर ब्रदर जैसे है, तो कभी मेरे मतलब मनोइच्छित कामना आज व्यक्त करता हूँ। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन टू प्रबोध फॉर द ओपनिंग ऑफ दिस सच स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल जिम, इज वेरी वेल इक्विप्ड, एंड आई डेफिनेटली सी यू हियर, ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस। माय फिटनेस मंत्र इज कंसिस्टेंसी, इट डजंट मैटर हाउ अनमोटिवेटेड or motivated you feel, because fitness does not depend upon motivation. If you go with motivation, then you'll never do anything, because motivation is like mood. Sometimes you're in a good mood, sometimes you're in a bad mood, but consistency and discipline, that is what matters for fitness. So yeah, you are also being a bad guy, just taken a look at the gym, how do you find the gym? Well, being in Bandra and just near my place is such a beautiful gym that has opened up, and I'm very very excited to work out here. Maine jaakar gym dekha, gym ke equipments dekhe, it's brilliant, aur bahut maza aane wala hai mujhe workout karne ke liye. So basically for me, it's more of endurance training and strength training. And mere trainer bhi aaye mere saath saath mein. He's 68 year old with six pack abs, aur wo mere inspiration hai. Aur inshallah unhi ke saath mein yahan workout karungi. Even he's come to check out the gym. So definitely maza aayega yaar. Fitness kisi achhi nahi lagti. I think hum sabko fitness par dhyan dena chahiye. And after khatron ke khiladi, definitely main aur zyada फिटनेस की तरफ चली गई हूँ, बिकॉज आई नो दैट फिट होना कितना ज़रूरी है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर कोर स्ट्रेंथ एज वेल। पहले तो मैं कहूँगी कि हमें सबको फिटनेस की तरफ चलना नहीं, दौड़ना चाहिए। आई थिंक वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पेशली नाउ दैट वी हैव कम आउट ऑफ अ वेरी वेरी ह्यूज पैंडमिक, we should focus on mental health and physical health, and they go hand in hand. Since I have been practicing karate for past 22 years, and apart from being a model and actor, I realized that zindagi ka jo discipline aata hai, kahin na kahin wo fitness dwara bahut zyada aata hai. So I promote not only for kids, but right from teenagers to people who are in their 30s, 40s, and also senior citizens, because once you are towards your end of your life, it is a new beginning, as they say, because now people talk about 40s and 50s, the new smashing ages, where people are into new profession, they are looking for new breath of life. तो मुझे लगता है सभी कुछ फिटनेस रिलेटेड है, एंड टुडे आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट पारुल इज इनवाइटेड मी हियर ऑन दिस ब्यूटीफुल जिम, द Z1 360 डिग्री। आई थिंक एवरीबडी शुड जस्ट थ्रॉन्ग हियर एंड स्टार्ट देयर फिटनेस रिजीम फ्रॉम डे 1। थैंक यू। I breathe, live, smell fitness. Fitness is my life. I thank you, Parul, for inviting me here. And we are Facebook friends, so naturally she has seen lots of videos. And during pandemic, I had uploaded maximum home workouts and personal training videos and all on my Facebook page and on my Insta page and YouTube and everywhere. I believe age is no bar, age is just a number, and it is being proved worldwide that 60s and 70s and 80s people are competing into IFBB competition, world championship competition. Their bodies are so wonderful, the women, they are doing marvelous work. There are multiple complex issues which women suffer,
because of heavy weight, fat issues, and skin and hair and everything. Once you fall into a fitness regime, you have to make fitness a lifestyle. It's not like one day thing. Like you decide ki haan aaj mere shaadi hai, so December ke liye main May mahine se shuru ho jati hu, 6 mahina gym join karungi, shaadi attend karungi, back to pavilion. No, you have to do it every day consistently. Fitness has to be part of your lifestyle. It just demands 1 hour a day. No, generally people say I don't have time, I'm working hard. It just demands 1 hour a day. You have to dedicate to that. And as she said, age has nothing to do with fitness. Like if people come to know my age, they'll be shocked. So you have to be part of fitness from a very young age and maintain it. And I love to eat everything, so I have to feed. I have to work out harder. Actually, fitness se kya ho jata hai? You reverse into your age. When you are fit, you are taking care of your skin and health. You look younger and in 20s, so that helps. I'm like in between both of them, so they have left with no words for me to talk. Both the sides. I complimented the way you were dressed and the way you carry yourself. I think that's such a big part of fitness. Yes, right? Because like fitness is actually one of the thing, and I'm a classical dancer. Yeah. They both are karate legends. So, but I'm as equally classical dancer, so I also follow fitness in the dance form. And now, because there's no time for me to practice dance, so I do hit gyms and jog and run and bicycle and whatever possible way. Yeah, I do take out 1 hour time for myself, and I do.